ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद के बाद अब इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाएं होने लगी। भारत में जहां इस मुद्दे पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अब इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी। दरअसल पिछले कई दिनों से कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजों में जाने की जिद पर अड़ी हुई हैं और इसके लिए अल्लाह अकबर, नारे तकबीर जैसे धार्मिक नारे भी लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू छात्र छात्राएं भी इसके विरोध में भगवा पहनकर स्कूल कॉलेज में जाने लगे हैं। भारत में छाए हिजाब के इसी मुद्दे के बीच अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने CBS टेलीविजन को दिए एक इंटरव्यू में कहा, कानून बहुत स्पष्ट है और शरिया के कानूनों में निर्धारित है। महिलाएं पुरुषों की तरह सभ्य सम्मानजनक कपड़े पहनती हैं, हालांकि ये विशेष रूप से काला अबाया या काला हिजाब ही नहीं होना चाहिए। यह निर्णय पूरी तरह से महिलाओं को लेना है और किस प्रकार के सभ्य और असम्मानजनक पोशाक पहनना पसंद करती है। अबाया पर दिए गए सऊदी प्रिंस के बयानों को फिल्म एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी शेयर किया है और लिखा है, सऊदी क्राउन प्रिंस का कहना है कि अबाया जरूरी नहीं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इससे पहले साल 2018 में भी हिजाब के मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उस वक्त भी सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था कि अगर महिलाएं शालीन तरीके से कपड़े पहने तो उन्हें अबाया पहनने की जरूरत नहीं है। शरीयत में साफ तौर पर लिखा गया है कि महिलाओं को पुरुषों की तरह ही शालीन कपड़े पहनने चाहिए। इसमें अबाया या हिजाब का जिक्र नहीं है। इसे पहनने या ना पहनने का चुनाव भी महिलाओं का होना चाहिए। आपको बता दें कि सऊदी अरब का कट्टर पंथ समाज मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में बड़े बदलावों से गुजर रहा है। इस दौरान महिलाओं पर लगाई गई पाबंदियां हटाने के साथ ही कई अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं। अब वो सऊदी अरब में गाड़ियां चलाने के साथ ही सार्वजनिक खेलों में भी हिस्सा ले सकेंगी। यानी एक तरफ जहाँ सऊदी में महिलाओं को हिजाब और बुर्का से आज़ादी मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस हिजाब विवाद के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो कुछ भी कहा है, उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इस हिजाब मुद्दे पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सर, हमने देखा है हिजाब को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका कोई व्यू है कि हिजाब? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते, ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा, कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी
तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा, देश की व्यवस्था होगी देश के संविधान को मानना होगा। लेकिन ओवैसी साहब तो यहाँ पे बड़ी जोर शोर से कैंपेन कर रहे हैं, वो तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हिजाब है फंडामेंटल राइट है और एक दिन एक बेटी जरूर प्रधानमंत्री बनेगी जो हिजाब पहने होगी। देखिए उसी बेटी को तो स्वतंत्र कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोका है। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले ले जा रहे हैं, और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। जब संविधान के अनुरूप व्यवस्था कर चलेगी, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी का सम्मान और हर बेटी के स्वावलंबन का कार्य होगा। सर आपने कहा कि आपको लगता है कि बीजेपी के समर्थन में बहुत लोग आ रहे हैं, आपको लगता है महिलाएं भी बीजेपी का फुल के समर्थन कर रही हैं? पहले सेफ्टी को भी एक इशू बनाया है। पहले चरण में बनाया नहीं, हमने करके दिखाया है। देखिए बहुत अंतर, बहुत फर्क साफ है, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी 2012 में, पहला काम क्या किया था उस समय के मुख्यमंत्री ने? पहला कार्य किया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले, सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला करने वाले, कचहरियों पर, वाराणसी अयोध्या और लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले उन आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने की उन्होंने शरारत की थी। हम धन्यवाद देंगे उस समय की उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उसको रोका था, रोक लगाई थी। और हमारी सरकार जब आई 2017 में, हमने एक दिन 3 फैसले किए। पहला, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का हर थाने में गठन होना। हमारी सरकार का उसी के साथ फैसला था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का कार्यक्रम। हमारी सरकार का तीसरा फैसला था अवैध बूचड़ खानों को बंद होना करना। ये 3 कार्य हमने एक दिन में निर्णय लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर लागू किए थे। समाजवादी पार्टी की सोच क्या थी? तो ये फर्क साफ है, हम बेटियों की सुरक्षा को लेकर के एंटी रोमो स्क्वाड से लेकर के आज मिशन शक्ति के थर्ड फेज तक, यूपी पुलिस में 1947 से 2017 तक जितने महिला पुलिस कार्मिक थे, इन 5 वर्षों में उससे 3 गुना ज्यादा आज के दिन पे कार्यरत हैं। आज हम लोग प्रदेश के सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती कर चुके हैं। वे वहां पे सुरक्षा पे चर्चा करती है, गांव की महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई महिला कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम भी करती है। तो स्वाभाविक रूप से महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और उनका स्वावलंबन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सुविधा हमारी सरकार ने दिया है, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के माध्यम से। 1 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनों को प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से जोड़ करके, कन्वर्जेंस के माध्यम से उनको कार्य पे लगा करके, रिवॉल्विंग फंड उन्हें उपलब्ध करवा करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया गया है। महिला सुरक्षा महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक रूप से प्रथम फेज में जाति मत मजहब की सीमाओं को तोड़ करके माताओं बहनों ने, बेटियों ने भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा के इस एजेंडे को मुक्त कंठ से स्वीकारा है, उसकी प्रशंसा की है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया है। सर आपने सुरक्षा की बात करी तो मैं सुरक्षा पे बात करता हूँ। विपक्ष कहता है कि आपने ठोको राज बना दिया, एक तरफ आप कहते हैं आपने गुंडा राज खत्म किया है, तो वो कहते हैं यहाँ पे कानून का कोई राज नहीं है, जिसका मन करता है उसको पकड़ के अंदर डाल देते हैं। देखिए कानून का भय हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। यही फर्क है 2017 के पहले, हर
तीन चार दिन के अंदर एक बड़ा दंगा यूपी में होता था, महीनों तक प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी होती थी। आज तो प्रदेश में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा। आज प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता है, व्यापारी और महिलाओं पर बमबाजी नहीं होती। आज तो प्रदेश में कावड़ यात्रा शानदार तरीके से निकलती है और हर हर बम बम का नारा लगा करके कावड़ यात्री जब निकलते हैं तो उसका दूसरा ही नजारा होता है। ये आस्था का भी सम्मान है और लोगों को प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एहसास भी कराता है।